हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है और ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जब काम करने लगते हैं, अपने ऊपर इनवर्क करने लगते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये हमें हमारे साथ ये सारे सिम्टम मैं आज आपको बताऊंगी ये होने लगता है, और उस टाइम हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है कि ये हमारे साथ क्या होता है। तो इसी की जानकारी मैं आपके लिए लाई हूँ कि जब हमारा इनर मस्कुलाइन बैलेंस होने लगता है तो हमें कैसा फील होता है, या फिर हमारी फीलिंग, हमारी एनर्जी किस टाइप की होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ मैं बताऊंगी आपको 7-8 साइन जो भी मेरे मैंने जर्नी में मुझे मिले थे या फिर मैंने फील किया, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहला साइन आता है कि अगर हमारा मस्कुलाइन बैलेंस होने लगता है, हमारा इनर मस्कुलाइन, तो इसका असर आपको अपनी 3D वाले मस्कुलाइन पे भी 100% मिलेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम हमारे अंदर के DMDF को बैलेंस कर लें। जब भी आपका DM बैलेंस होने लगेगा एनर्जेटिक लेवल पे अपने अंदर, तो आपको सबसे पहला ये साइन मिलेगा। आपको अचानक से बहुत एनर्जेटिक फील लगने लगेगा, आप बहुत एनर्जेटिक फील करने लगोगे। इसका मतलब यही होता है कि अब आप एक्शन मोड में आ चुके हैं, क्योंकि जब हमारी मस्कुलाइन एनर्जी को हम बैलेंस करने लगते हैं, तो जो कि फेमिनाइन में वो बिल्कुल अनबैलेंस होती है और वो सोई रहती है, बिल्कुल हमारे जो 3D के मस्कुलाइन सोए होते हैं उसी तरह। तो सब फेमिनाइन अपने ऊपर अच्छा काम कर लेती है, अच्छा खासा इनवर्क कर लेती है। उसके बाद धीरे धीरे ये मस्कुलाइन एनर्जी हमारे अंदर बैलेंस होने लगती है, और ये जैसे जैसे अंदर बैलेंस होती है, उसी प्रकार इसका रिफ्लेक्शन हमें हमारे 3D के मस्कुलाइन में भी दिखने लगता है। तो आपकी जब ये बैलेंस होने लगती है, जागरूक होने लगती है, तो आपको अचानक से जो DM काम करते हैं, उस तरह के काम आप करने लगोगे। जैसे कि आप कभी जिम नहीं जाते, आपको वर्कआउट करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको वर्कआउट करने का इच्छा होगी। उसके बाद आप जिम ज्वाइन करोगे, कोई भी काम हो सकता है। उसके बाद आपको अचानक अपनी फिटनेस की चिंता भी होने लगेगी, और आप बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप किसी न किसी तरीके से बिज़ी रहोगे, काम में बिज़ी हो जाओगे। और इस प्रकार हमारे DM बहुत काम में बिज़ी रहते हैं, बिज़ी रहना उनका स्वभाव है, उन्हें काम करना अच्छा लगता है, और आपको भी उसी तरह काम करना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सब जब हमारी DM एनर्जी बैलेंस होने लगती है, तब हमारे साथ ये चीज़ें होने लगती है। और उसके बाद आता है कि जब हमारे पास काम नहीं होता, तब आप बिल्कुल, आपको थोड़ी सी एंजाइटी भी लगने लगेंगी, जिस प्रकार DM को लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अगर आपके साथ इनवर्क करने के दौरान कुछ ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके DM, अंदर के DM बैलेंस हो रहे हैं, और बाहर के DM की अब अवेकनिंग प्रोसीजर चालू होने वाली है। आता है कि आपने जो भी गोल्स बनाए हैं, जो भी आपने ठाना है करने के लिए, उसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा होगी। आपको एक एनर्जी अंदर से पुश करेंगी कि अपने गोल्स पर काम करो। तो जो आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होने लगती है, वो आपको हेल्प करेंगी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, और आपको लगेगा कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। ये सब DM की जब हमारे मस्कुलाइन एनर्जी हमारे अंदर बैलेंस होने लगती है, तब हमें ऐसा लगता है, आपको अंदर से ऐसा लगने लगेगा कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो सही है, और मैं और अच्छा कर सकती हूँ, और आप ज़्यादा मेहनत करोगे और अपने आप को साबित करने के लिए और मौका ढूँढने लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल DM की तरह। तो ये सब अचानक होने लगेगा, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको अचानक से काम करने की, बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा हो रही है, या कड़ी मेहनत करने की का मन हो रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, और आपके आउटर DM के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद आता है तीसरा साइन, होता है कि आप अब रिस्क लेने लगोगे, आपका डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आपको खुद पर भरोसा हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आप अपने डिसीजन लेना सीख जाओगे। अब आप सिर्फ हाँ नहीं बोलते, आपको ना भी बोलना आता है।
आप अपनी खुशी का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत भोली होती है, तो उन्होंने कभी अपने ज़िंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया होता है। और जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे या फिर आप करने लगे, तो समझ जाना है कि ये एक पॉजिटिव साइन है, जो कि आपकी अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है आपके अंदर के फेमिनिन के साथ, और इसका असर आपके बाहर 3D वर्ल्ड में भी आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव तरीके से दिखेगा। तो नेक्स्ट आता है 4th साइन, आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाओगे पहले से ज़्यादा, और आप में जो भी एबिलिटी है उस पर आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। आपको जो भी काम करने लगोगे उस पर आप अधिक विश्वास करने लगोगे, जो कि पहले नहीं करते थे, अब उस पर आप पहले की तरह डाउट नहीं करते। हम फेमिनिन का जो होता है कि वो कुछ भी काम करने से पहले ये सोच लेती है कि अगर मैं ये कर दूँ तो ये हो जाएगा और वो कर दूँ तो वो हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो जिस दिन आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस लगने लगेंगी, तो ये ऐसा वैसा सब कुछ आपके दिमाग से निकल जाएगा, और सिर्फ आप अपना काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। आप जो भी करोगे, आप जो भी करना चाहते हैं उस पर आप पूरा फोकस करने लगोगे। और एक अच्छी बात ये भी साइन है कि आप लोगों की चिंता करना छोड़ देते हो कि लोग क्या कहेंगे। ये जो एक पूरी लाइन है ना, इसको आप अपने ज़िंदगी से फेंक देते हो, क्योंकि अब आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी जागृत होने लगती है। आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, आप अब ये सोचते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो उसके बाद आता है एक कि जब भी हम इंटीमेसी के बारे में बात करते हैं, तो हम पता है ना, डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि मस्कुलाइन को बस यही अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होने लगती है, तो उस टाइम आपको भी क्रेविंग हो सकती है आपके मस्कुलाइन के साथ इंटीमेट होने के लिए। तो ये भी साइन है कि आपको लगने लगेगा कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके साथ मिलना है या फिर मेकआउट करना है, ऐसी कुछ फीलिंग। और आप बहुत सेक्स को दूसरी तरह से देखेंगे, बहुत पॉजिटिव तरह से देखेंगे, जो कि आपने कभी फील नहीं किया हो पहले। उस टाइम आप भी बहुत क्रेविंग करने लगोगे। उसके बाद आता है 6th नंबर, आप मतलब बहुत अच्छे हो जाते हो आपकी ज़िंदगी के डिसीजन लेने में, किसी भी तरह का निर्णय लेने में आप सक्षम हो जाते हो, और आप लेते हो बिना डरे, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी ज़िंदगी को जो कुछ सर्व नहीं करता, जो आपको अच्छा नहीं लगता या फिर आपको तकलीफ़ देता है या फिर आपको पीछे आगे बढ़ने से रोकता है, तो चाहे वो लोग हो या चीज़ें हो या कंडीशन हो, कुछ भी हो, आप ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त नहीं करते, सीधा अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। तो ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, ये डेयरिंग आ जाती है। उसके बाद आता है लास्ट, आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। अब आप किसी को ब्लेम नहीं करते, और आपको पता है कि आप जो भी करेंगे वो आपके दम पे करेंगे, और जो भी होगा मेरे साथ वो मैं ही करूँगी। आप अपना लाइफ का चार्ज किसी और के हाथ में नहीं देते, चाहे वो DM है या फिर कोई भी घर वाले, कि आप अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दे और वो चलाए, और फिर आप एक खिलौने की तरह चल जाए। आप जिस दिन आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होने लगती है, तो ये रिमोट आप अपने हाथों में ले लेते हो। तो ये कुछ साइन है जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होने लगेंगी। एक सिंपल से साइन है ये, मैंने आपको बताई, अगर आपको फील होगा तो ज़रूर आपके अंदर की DM DF बैलेंस हो रही है, और इसका असर आपको जल्द ही, अगर आपके साथ हो रहा है तो जल्द ही आपको 3D वर्ल्ड में भी दिखेगा आपके DM के साथ। तो इसके लिए हमें एक ही काम करना है, हमारा इनर वर्क करना है। 1-2 महीना नहीं, पूरा कम से कम आपको 6 महीने कंटिन्यू अच्छे से करना है। जो भी आप करते हो इनर वर्क सब अच्छा होता है, बस उसमें आपकी श्रद्धा भाव और सरेंडर फेथ यही मायने रखता है।
उसके बाद ये सब आपके साथ होने लगेगा और ये कंफर्म साइन है कि आपको पता चलेगा कि आपकी मस्कुलाइन एनर्जी अब बैलेंस होने लगी है, मर्ज हो रही है अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ अपने अंदर। तो ये था वीडियो छोटा सा आपके लिए, आई होप मैं कुछ आपको बता पाई। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखिए, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। गॉड ब्लेस यू।